हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है देर रात को 11 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप समझ जाएंगे तो इजीली पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है तर्क वाक्यों के प्रकार, ठीक है? किस किस प्रकार के आपके तर्क वाक्य पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है अगर यहाँ पे पूछा जाता है। वेन आरेखा यानी कि वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे बोला जाए सभी एल एन है तो सभी एल एन कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल चीज है बट मैं शुरू से ही समझा देता हूँ क्योंकि बेसिक अगर मजबूत होगा तो आप आगे भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सभी एल एल का आपने एक डायग्राम बनाया सबसे पहले और वो सभी के सभी एल एन है तो ये वाली कंडीशन होगी सभी वाली, ठीक है? फिर यहाँ पे कोई एल एन नहीं है, अगर यहाँ पे बोला जाता है कोई एल एन नहीं है तो इसका मतलब एल और एन दो अलग अलग डायग्राम बनेंगे, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है? फिर दूसरे वाला आपका है कुछ एन एल है, कुछ एन एल का मतलब है देखिए आपका ये एन हो गया और ये वाला कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कुछ एन एल है तो इसका मतलब कुछ एन हल्का सा कट लगाया एल हो गए। अब ये मैंने इसलिए बनाया है कि जब सभी के सभी एन एल होंगे तो ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई रहेगी कुछ एन एल है, ठीक है? यानी कि जब सभी के सभी एन एल हैं तो कुछ एन भी एल हो सकते हैं, मतलब जब सभी हैं तो कुछ तो हो ही सकते हैं ना, तो ये वाली कंडीशन भी कुछ में ही सेटिस्फाई हो जाती है। अगर आपका ये वाली कंडीशन वेन डायग्राम में बन रही है और क्वेश्चन में बोला गया है निष्कर्ष में कि कुछ एन एल है तो आपका राइट लगा सकते हैं क्योंकि वो सभी के सभी एन है, एन एल है तो कुछ भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कुछ एल एन नहीं है तो नहीं वाली कंडीशन में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हल्का सा एन में कट लगाइए और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन आपने कट किया है ये कुछ एल एन नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे ये वाला इसलिए बनाया मैंने एन इसके अंदर है, एल के अंदर एन है तो इसका मतलब कुछ एन एल नहीं है। यहाँ पे जो ये बाहर का पोर्शन बचा हुआ है ये नहीं में आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस कंडीशन में भी आपका ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी भी चीजें समझ में आ गई तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे आगे, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, 4-5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आ जाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कुछ पेंसिलें चाकू हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल का डायग्राम बनाएंगे, ये हमने बनाया पेंसिल और कुछ पेंसिलें चाकू हैं तो बिल्कुल सही है, आपने हल्का सा इसमें कट लगाया और ये वाला जो अभी ये दो डायग्राम बने हैं तो ये बन गया कुछ पेंसिलें चाकू हैं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है सभी चाकू कागज हैं, तो सभी के सभी चाकू जो हैं, एक जो डायग्राम आपने चाकू वाला बनाया था उसके ऊपर को कागज वाला आ जाएगा और सभी के सभी चाकू कागज बन जाएंगे, ठीक है भाई? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो कुछ कागज जो आपके कागज वाला ये डायग्राम आया था तो कुछ कागज पुस्तकें हो जाएंगी इस तरीके से। बिल्कुल आसान था डायग्राम बनाना, तो कोई हार्ड नहीं था, आप एक एक पॉइंट पढ़ते रहिए और वेन डायग्राम बनाते रहिए, पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए क्या क्या बोला गया है, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पुस्तकें और पेंसिल का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है, कथन में कुछ भी नहीं बोला गया इनके बीच में, जिसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया जाता है तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है? तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है कुछ कागज पेंसिलें हैं, तो ये आपका राइट हो सकता है क्योंकि कुछ कागज पेंसिलें हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कागज वाला डायग्राम है और ये पेंसिल वाला डायग्राम है तो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है इतना पोर्शन ये कुछ में आ जाएगा तो आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर सेकंड ये नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया अभी पूरी वीडियो देखेगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बिल्कुल वैसे ही।
सबसे पहले बेसिक चीजें समझ जाइए, फिर अपना आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके वीडियो को देखेगा तो मजा भी आएगा। यहाँ पे कथन बोला गया है, कुछ टावर खिड़कियां हैं, तो कुछ वाली कंडीशन आप इजीली बना लेंगे। सबसे पहले आपने एक टावर वाला डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम, उसमें खिड़कियां वाला हल्का सा कट लगाया, तो कुछ टावर खिड़कियां बन गई है। ठीक है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, ये समझिएगा, दोबारा करा रहा हूँ, ये समझिए बस अलग लैंग्वेज में। सभी खिड़कियां घर हैं, तो सभी की सभी खिड़कियां फिर यहाँ पे घर हो जाएंगी। देखिए खिड़कियां वाला था, तो सभी की खिड़कियां घर हो जाएंगी, ये भी बिल्कुल आपका हो गया है। नेक्स्ट बोला गया है, कुछ घर मंदिर हैं, तो यहाँ पे कुछ जो घर हैं, ये घर वाला डायग्राम था, इसमें कुछ घर मंदिर हो जाएंगे, ये आपका डायग्राम तैयार होगा जैसे पहले वाला था। अब यहाँ पे आपको बताना है, केवल पहले वाला अनुसरण करता है, दूसरे वाला अनुसरण करता है, तीसरे वाला, ये दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, पहला दूसरा करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ टावर मंदिर है, तो टावर और मंदिर का तो यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं बताया गया है, तो बिल्कुल पहले वाली कंडीशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए मेरी ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो अगर आवाज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम चेंज लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, आप भी थोड़ा सा रखिएगा, कोऑपरेट करिएगा। सेकंड बोला गया कुछ घर टावर है, कुछ घर जो है आपके, ये हो गया आपका घर और ये हो गया टावर वाला, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ घर टावर हो सकते हैं, तो सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया थर्ड, कुछ मंदिर खिड़कियाँ हैं, कुछ मंदिर खिड़कियाँ, देख लीजिए हो सकती है क्या, मंदिर ये हैं और खिड़कियाँ ये हैं, ये वाला नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो बोला जाता है ना कि कुछ टावर कुछ घर टावर हैं, कुछ मंदिर खिड़कियाँ हैं और इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि कुछ टावर मंदिर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ घर टावर हो सकते हैं, कुछ मंदिर खिड़कियां हो सकती हैं, हो सकने वाली कंडीशन में हो सकता है, बट 100% जैसे बोला जाता है कि कुछ घर टावर हैं ये नहीं हो सकता है, सॉरी ये तो हो जाएगा बट ये नहीं हो सकता, कुछ मंदिर खिड़कियां हैं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला ही राइट रहेगा। ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कथन यहाँ पे दे रखा है, कुछ दीवारें दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे खाट हैं, तो यहाँ पे तो बहुत आसान बन जाएगा, तो कुछ दीवारें दरवाजे हैं और कुछ दरवाजे खाट हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया कुछ खाटें कुर्सी हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कुछ खाट कुर्सियाँ हैं, तो ये भी आपका बन जाएगा। ये तो कुछ वाली कंडीशन तो आप इजीली बना ही लेंगे, ठीक है, खाट कुछ हो जाएगा, तो हल्का सा कट लगाते रहिए और ये कुछ वाली कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं निष्कर्ष में, देखिए निष्कर्ष बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, तो यहाँ पे देखिए दरवाजे कहाँ हैं, दरवाजे ये हैं और कुर्सियाँ ये हैं, कोई रिलेशन बताया गया तो ये नहीं होगा, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ खाट दरवाजे हैं, कुछ खाट जो खाट और दरवाजे ये हैं, सॉरी यहाँ पे दीवारें बोला गया था, कुछ खाट दीवारें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दीवारें यहाँ पे हैं और खाट यहाँ पे है, तो ये भी नहीं रिलेशन के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अभी इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्वेश्चन, अभी तक दोनों नहीं है। फिर यहाँ पे बोला गया कोई कुर्सी दीवार नहीं दरवाजा नहीं है, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। अब देखिए कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं और कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो यहाँ पे जो है एक बार तो ये नहीं वाली कंडीशन दे दी और एक वाली है वाली दे दी, तो अब इसमें बन जाएगा कौन सा ऑप्शन, यानी कि आपका बन जाएगा या तो केवल एक या थर्ड वाला अनुसरण करता है। ये वाली कंडीशन आपकी कब होगी, देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे जो इन्होंने बोला है लास्ट वाले में, देखिए कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो कुर्सी कहाँ पे है, कुर्सियाँ यहाँ पे हैं और दरवाजे यहाँ पे हैं, तो कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो हम इसको भी नहीं बोल सकते हैं, क्या पता दरवाजा और कुर्सियाँ यहाँ पे इस तरीके से हो, इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन खाट के साथ में भी आ गई कुर्सी की और दरवाजे, क्या पता ऐसी कंडीशन हो, तो इस तरीके से भी तो डायग्राम बन सकता है ना, तो हम इसको भी नहीं वाला जो ये दे रखा है इसको भी हम नहीं मानेंगे। बट जब दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे दी जाए कि कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं और एक बार दे दिया कोई कुर्सियाँ दरवाजा नहीं है, तो जब दोनों की दोनों ये दे दिया जाए तब बनता है आपका या तो पहले वाला हो सकता है या तीसरे वाला हो सकता है, ये वाला कंडीशन आपकी बनेगी। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। या तो केवल एक या थर्ड अनुसरण करता है, जब एक ही चीज को एक बार तो बोल दिया गया हो एक ही क्वेश्चन में कि कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं,
तो इनका रिलेशन तो नहीं बताया गया, तो हमने इसको हटा दिया था। फिर यहाँ पे बोल दिया गया कोई कुर्सियां दरवाजा नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में बोल दी गई ना, एक बार तो बोल दिया कि है और एक बार बोल दिया नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये या तो एक पहले वाला सही होगा या थर्ड वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपसे 2-3 दिन बाद फिर एक जो मिक्स क्वेश्चन की वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें कवर करा दूंगा। मुझे मैक्सिमम कमेंट कर दीजिएगा कि स्टार वाला, इसका नाम हम लगा देते हैं स्टार, स्टार वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखते हैं, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है, कुछ जूते कोट हैं और कुछ कोट बटन हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैंने आपकी बार दोनों बना दिए, कुछ जूते कोट है और कुछ कोट बटन है, ये तो आप बना लेंगे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या दिए गए हैं। कोई बटन जूता नहीं है, ठीक है, और एक बार बोल दिया कुछ जूते बटन है, कोई जूता जूता वो जो है बटन नहीं है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या पता इस तरीके से डायग्राम बन रहा हो, तो नहीं वाली कंडीशन है, तो उसको भी हम नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पे एक बार तो बोल दिया गया कि नहीं है और एक बार बोल दिया कुछ जूते बटन है, तो एक बार बोला है कुछ जूते बटन है, तो इसको भी हम नहीं बोल सकते। क्या पता डायग्राम ये हो कि जूते और बटन कहाँ बन सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया। बट यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या चूज करना है वो आप डिसाइड करेंगे। कैसे, कि जब एक ही चीज को एक बार तो बोला कोई कोई बटन जूता नहीं है, एक बार तो नहीं बोल दिया कोई जूते बटन है, एक सॉरी कुछ जूते बटन है, तो एक बार ये बोल दिया, तो तब ये वाली कंडीशन होगी ना, एक बार नहीं बोला और एक बार है बोल दिया, तो आपको आंसर क्या लगाना है देखिए। अतः वेन आरेखा के अनुसार या तो निष्कर्ष एक या सेकंड कथन के अनुसरण करता है, यानी कि दोनों तो नहीं हो सकते। अगर ये होता कि ये वाला नहीं होता इसमें, ठीक है, और कोई बटन जूता नहीं है, एक तो ये होता और एक में बोल दिया जाता, एक मतलब सही वाला दे दिया जाता कि कुछ जूते कोट हैं, तो आपका कुछ जूते कोट हैं वाला राइट हो जाता और ये वाला गलत हो जाता। बट जब एक ही ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बोल दी जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, तब आपका आंसर जैसे ऊपर वाले आपने दिया था इसमें कि या तो केवल पहले वाला या फिर दूसरे वाला अनुसरण करता है, ठीक है। जैसे इसमें पहला और दूसरा, ये बस इसमें तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया ना, तो इसमें या तो पहले वाला आपका और या फिर दूसरे वाला, ठीक है, या तो पहले वाला है दूसरे वाला। ऐसा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब एक ही चीज़ को नहीं में और एक बार है में बोलते हैं, तो तब आपको क्या करना है वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बन जाएगा, ये मुझे बता दीजिएगा बस कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन में यहाँ पे दिया गया है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ हैं, तो बिल्कुल सीधा सीधा सा बन जाएगा, आपने एक बनाया मछली का डायग्राम और उसमें कट लगाया, तो ये बन गया कुछ मछलियाँ मगरमच्छ हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कुछ मगरमच्छ सांप हैं, तो ये भी आप बना लेंगे, कुछ मगरमच्छ सांप है, ये भी आपने बना लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि कोई सांप कछुआ नहीं है, तो नहीं वाली कंडीशन मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कोई कछुआ सांप नहीं है, यानी कि इनके बीच में रिलेशन शो नहीं करना, अलग से बना देना है डायग्राम, ये भी आपने बना लिया। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि सभी के सभी कछुए मेंढक हैं, तो सभी के सभी के जो कछुए हैं, कछुए वाला डायग्राम मेंढक है। अब मेंढक को भी सांप या इनसे किसी से टच नहीं करना है, क्योंकि बोला नहीं गया। अगर यहाँ पे बोला जाता कि सभी के सभी कछुए मेंढक या सांप दोनों को बोला जाता, तो सांप इसके अंदर आ जाता, तब इनके बीच में रिलेशन होता। बट अभी ये दोनों जो है, ये दोनों अलग हैं और ये तीनों अलग हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन शो नहीं करना है इन दोनों के और इन तीनों के, ठीक है। अभी निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग ही देखना है। यहाँ पे बोला गया निष्कर्ष, सबसे पहला कोई सांप मेंढक नहीं है। अब मेंढक और सांप के बीच में कोई रिलेशन बताया गया, तो आप कैसे बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना हाँ बोल सकते, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई सांप मेंढक नहीं है, तो ये चीज़ हमें नहीं पता है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया। कुछ मेंढक कछुए हैं, तो यहाँ पे तो सारे के सारे कछुए मेंढक हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। जब सारे के सारे कछुए मेंढक हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, तो सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट, कुछ मछलियाँ मेंढक हैं। कुछ मछलियाँ कैसे मेंढक हो सकती हैं, मेंढक यहाँ पे हैं और मछलियाँ यहाँ पे हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन बताया गया क्वेश्चन में, नहीं बताया गया। अगर बताया जाता, तो क्या पता कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता, मछलियाँ मगरमच्छ और सांप, और क्या पता मेंढक इस साइड में आ जाता अगर क्वेश्चन में बताया जाता। बट अभी नहीं बताया गया, तो इसका मतलब नहीं है,
तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, केवल सेकंड राइट रहेगा पहला, और सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर, ओनली बी ऑप्शन राइट होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, आप इजीली कर भी लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्लोक का आज लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सभी मगरमच्छ बंदर हैं, तो सभी के सभी मगरमच्छ कैसे बंदर बन सकते हैं भाई? यहाँ पे आपने एक सभी के सभी मगर यानी कि मगरमच्छ बनाया और एक बंदर वाला डायग्राम उसके ऊपर को बना दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट ये बोला गया कि सभी लोमड़ी भी बंदर ही हैं। तो इसका मतलब मगरमच्छ और लोमड़ी, जो सभी के सभी मगरमच्छ और सभी के सभी लोमड़ी वो बंदर हैं, तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है भाई। समझ गए ना आप किस चीज़ से मैंने बोला कि सभी के सभी मगरमच्छ और लोमड़ी बंदर हैं, तो आपने इसको कवर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया निष्कर्ष में, सभी मगरमच्छ लोमड़ी है, तो जो भी सभी मगरमच्छ है वो लोमड़ी है, सभी मगरमच्छ लोमड़ी है, तो लोमड़ी और मगरमच्छ के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बोला गया, तो पहला तो आपका गलत हो गया है, ये वाला गलत हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा, सभी बंदर मगरमच्छ है, तो ये भी राइट नहीं होगा। सभी के सभी बंदर मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर ये होता बंदर जो है आपका, ये वाला बंदर वाला डायग्राम ऐसे मगरमच्छ वाला करता तो ये वाला राइट हो जाता, बट अभी तो यहाँ पे सभी मगरमच्छ तो बंदर हो सकते हैं बट सभी बंदर मगरमच्छ नहीं हो सकते हैं, समझ गए। तो दोनों ही आपके राइट गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, आपको इनकी एक सही सिक्वेंस में लगाना है इनको। यहाँ पे लिखा है पहला चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, पंखा चलाना, तो इसको अगर सही सीक्वेंस में लगाया जाए, आपको एक कोड बताना है इन चारों में से क्या राइट रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, और बाकी मैं तो आपको बता ही देता हूँ। चलिए किस तरीके से करना है, सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपने चारों पांचों चीज़ें पढ़ ली होंगी तो इसमें सबसे पहले चाबी आएगी, चाबी से क्या खुलेगा, ताला खुलेगा, ठीक है। यानी कि पहले पे तो आपकी चाबी आ जाएगी, ठीक है पहला, तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले चाबी आएगी, इसमें पहला है, इसमें पहला है, तो ये तो आपके दोनों हट जाएंगे। फिर दूसरे पे ताला आएगा, यानी कि तीसरे आएगा पहला तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा किसी में नहीं है, तो राइट तो आंसर आपका ये हो चुका है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। पहला आपकी चाबी, फिर ताला, फिर ताला खुलने के बाद में दरवाजा खुलेगा, तो दूसरा, ठीक है भाई बिल्कुल सही है। फिर ताला खुलने के बाद में, दरवाजा खुलने के बाद में कमरा खुलेगा, तो चौथा, और लास्ट में पंखा चलेगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा सी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके कई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार, इसको आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे भी श्री जी बतानी है किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका वर्ण आएगा, ठीक है वर्ण, वर्ण से आपका क्या बनेगा, शब्द बनेंगे। शब्द के बाद में देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोर्थ नंबर आएगा, उससे तो पहले कुछ नहीं आएगा ना, वर्ण से तो छोटा कुछ नहीं होता, सब वर्ण फिर शब्द। तो देख लीजिए फोर और वन किस किस में है, फोर वन इसमें है, फोर वन इसमें, इसमें, तो ये तो हट जाएगा आपका। फिर यहाँ पे शब्द के बाद क्या बनेगा भाई, शब्द के बाद आपका मुहावरा बनेगा, तो नेक्स्ट आपका आएगा फाइव, तो फाइव इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो ये आपका ये भी हट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आता है फिर वाक्य, मुहावरे के बाद वाक्य बनेंगे, तो तीसरा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब फोर राइट हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक बार आप भी ट्राई करिएगा, और सही आंसर शायद यही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, मैं आपको समझा दिया है, बेसिकली समझाना था कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप सबसे छोटी चीज़ ढूंढ लीजिए, या फिर जो मेन चीज़ है, जो बिल्कुल जिससे स्टार्ट होती है चीज़ें, वो चीज़ ढूंढ लीजिए, और उसको देखिए वो कौन से नंबर पे है, और फिर आप चेक करिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहला एक, जैसे मान लीजिए सॉरी ये फोर नंबर है, और शुरू में फोर किसी के भी नहीं, सिर्फ एक के हो, कई बार होता है, इसमें तो सब में है, तो आपको एक ही स्टेप में आंसर मिल जाता है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनको भी आप सीरीज में लगा सकते हैं। देखिए ये कैसे लगेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है दीवार, गारा, घर, कमरा, ईंट, तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो गारा ही आएगी, ठीक है, जो मिट्टी से बनती है गारा, तो गारा से आपकी क्या बनती है, ईंटें बनती हैं, तो पहले पे टू, फिर तीसरे सॉरी पहले पे आपका टू आ जाएगा, फिर दूसरे पे आपका फाइव, तो देख लीजिए टू और फाइव किस किस में, टू फाइव, टू फाइव, तो ये दोनों आपके हट जाएंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले तो गारा ही आएगी ना, क्योंकि गारा के बिना ईंट नहीं बनेगी, ईंट के बिना घर नहीं बनेगा, कमरा नहीं बनेगा, कमरे के बिना घर, और घर के बिना फिर सॉरी दीवार आएगी तीसरे पे, तो शायद हाँ तीसरे पे आपकी, देखिए सबसे पहले गारा, गारा से ईंट, ईंट के बाद आपकी बनेगी दीवार, ईंटों से तो बनेगी दीवार, दीवार बनने के बाद आपका क्या बनेगा, कमरा, और कमरे बन के आपका बनेगा घर, तो आपका ये क्या होगा, सॉरी ये दोबारा से करना पड़ेगा, सीरीज भूल गया मैं,
सबसे पहले आपका गारा आई, गारा के बाद ईंट बनी, तो दूसरा और पांचवा हो जाएगा, दूसरा और पांचवा इसमें है, ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, फिर दीवार बनेगी, तो ये पहला पहला इसमें है और इसमें, तो चौथा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2, 5 और 1। फिर उसके बाद बनेंगे आपके कमरे, तो 4, 3, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको भी। चलिए इस वाले को ट्राई करिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको साइज के हिसाब से देखना है। देखिए गाय, बिल्ली, चिड़िया, कुत्ता, हाथी लिखा है, तो सबसे छोटा क्या होगा इनमें, चिड़िया होगी ना, तो ये देखिए सबसे पहले तीसरा नंबर किसका है, तो तीसरा नंबर पे तो केवल ये ही है, तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर यही होना चाहिए, बट एक बार चेक भी कर लेते हैं। चिड़िया, उसके बाद सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, बिल्ली होगी, ठीक है, बिल्ली से, फिर उससे बिल्ली से बड़ा कौन होगा, चिड़िया सबसे छोटी, उससे बड़ी बिल्ली, बिल्ली से बड़ा आपका कुत्ता होगा, 4 नंबर पे आ जाना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी गाय और फिर आती लास्ट में, तो यही आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है और आपको पता चलेगा कि सबसे छोटी चिड़िया है और चिड़िया आपको पहले नंबर पे मिल गई और तीन और किसी में भी नहीं है, तो आप इसको एकदम से लगा दीजिए, ट्राई भी मत करिए, चेक भी मत करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, टेलीग्राम का एक ऐप होता है जैसे व्हाट्सअप, उसको डाउनलोड करके और वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, स्पेस मत दीजिएगा, जब टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो ईजिली सबसे ऊपर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी और आप लाइक शेयर दबा के कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिएगा जल्दी से। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।